सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आज मैं जा रहा हूँ पंजाब। आप सभी जानते हैं पंजाब एक काफ़ी खूबसूरत शहर है, अपने आप में ही अलग ही वाइब्स हैं उधर की, और मैंने काफ़ी सुना है इस जगह के बारे में। तो आज मैं सोच रहा हूँ सोलो ट्रैवल करके कि मतलब उधर कैसा मेरा क्या रहेगा, क्या मेरी कॉस्टिंग रहेगी। सो हर चीज़ मैं इस ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगा, और बेसिकली कि अगर कोई सोलो जाता है उसको क्या खर्चा वर्चा बैठ जाता है, वो मैं हर चीज़ इस ब्लॉग में बनाऊंगा और काफ़ी आपको मज़ा आएगा। सो इस ब्लॉग में बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देखिए सुबह का वेदर, शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन, एकदम फॉग हो रही है यहाँ इस टाइम। और यहाँ हमारी ट्रेन आते हुए दिल्ली टू जलंधर, इसमें ही जाएंगे हम। यार कुछ तो बात है ट्रेन में, वाकई में इसमें ट्रैवल करने का ना अलग ही वाइब है। अभी मैं जा रहा हूँ, हर जगह ग्रीनरी दिख रही है, अभी से ऐसा लग रहा है जैसे मिनी पंजाब में आ गया। और ये मैंने टिकट ली थी दिल्ली टू जलंधर सिटी, मैं जलंधर सिटी में रुकूँगा, और 145 रुपीज़ की टिकट थी। और होटल और कहाँ कहाँ जाऊँगा मैं इधर से करूँगा। बस मैं पहुँचने वाला हूँ जलंधर सिटी, जलंधर आ गया हूँ। देखते हैं अभी कैसे ट्रैवल करना है। तो पहले दाढ़ी कटवाऊंगा और लोकेशन देखता हूँ। अभी रैपिडो करी है मैंने, बाइक पे जाऊंगा अभी, और आगे का सफर देखते रहना। आस पास बता रहे हैं इधर अच्छा होटल है नज़दीक में, क्या शानदार वेदर है, एकदम क्लीन है। मैंने इधर आस पास वो ले लिया है होटल, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है उसकी, 1200 है। ली अभी ट्रिम करा के आऊँ, ठीक लग रहा हूँ। अभी देखता हूँ अभी कुछ खा के आते हैं बाहर, कैसा है बताता हूँ इस ब्लॉग में। फेमस नान और साथ में छोले, काफ़ी टेस्टी लग रहा है, और साथ में रायता। वो भी मैंने रेपिडो करी है, इधर एक दर्द है। बेसिकली दर्द है उधर जा रहे हैं, हिंदू भी दर्द है, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। काफ़ी फेमस है। मैं आ गया हूँ सिंध दरगाह में, बताता हूँ कैसा एक्सपीरियंस है और इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये इसके अंदर का व्यू बहुत ही खूबसूरत बना है अंदर से भी, और काफ़ी बड़ा है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ, काफ़ी पीस जगह है, और इधर आकर आप अपनी कोई मन्नत हो उसे पूरी करने के लिए आप भगवान से मांग सकते हैं। बाकी इधर हर धर्म के लिए बनाई हुई है मस्जिद, और वैसे भी कोई से भी आप धर्म में जाएँ सारे भगवान ही की हैं। बाकी बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, और अब दूसरी लोकेशन पे जाता हूँ, चंगे आज़ादी मेमोरियल जा रहा हूँ। अब जा रहा हूँ बुक टूटी हुई थी, इसके लिए रैपिडो महंगी पड़ी थी, मैंने सोचा ये कर लेता हूँ, ट्रैवल करते हैं। सो यार मैं पहुँच गया हूँ जंगे आज़ादी मेमोरियल में, ये देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है। अभी आया हूँ इधर, पता है पंजाब में दिक्कत क्या है? एक तो ना मेन, जैसे मेरे को हिंदी आती है इंग्लिश आती है, बेसिकली इधर ना पंजाबी में बोलते हैं, मेरे को पंजाबी आती नहीं और समझ भी नहीं आती। तो आप यहाँ आए ना तो ध्यान रखें कि पंजाबी बोलनी पड़ सकती है, यानी तो किसी से पूछ लेना, समझ नहीं आता इतनी आसानी से। और बाकी हाँ, गूगल मैप्स पे ज़्यादा भरोसा मत करना इधर, क्योंकि इधर ना रूट्स काफ़ी डिफरेंट है और मैप अपने हिसाब से दिखाता है, तो मैप से भरोसा कम करना। बाकी व्यू तो बहुत ही शानदार है, बड़ा बनाया हुआ है, और ये काफ़ी अच्छे एरिया में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है। इधर टिकट सिस्टम था, बता रहे थे अंदर गैलरीज हैं, और बाकी टिकट का रेट थोड़ा ज़्यादा ही है, 100 रुपीज़ है। बाकी अंदर जाके देखते कैसा है। मेन दिक्कत पता है क्या इधर? एक तो ना अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, कुछ शूट भी कॉर्ड
गॉड भी नहीं हो सकता। सो या बता ही सकता हूँ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस अंदर का, बचाता हूँ देखता हूँ। तो बाकी ये बोल रहे हैं कोर्टयार्ड में कर सकते हैं, बट उधर भी वीडियो नहीं कर सकता, बाकी जाके अंदर ही पता लगेगा। वैसे तो काफ़ी खूबसूरत है, देखता हूँ अंदर ही जाके। यार व्यू देख रहे हो, क्या शानदार व्यू बनाया है अंदर से, कितना बड़ा है यार, ग्रीनरी अलग ही लेवल की। मैंने आगे गार्ड से पूछा था तो उसने बताया कि इधर गैलरी से इधर से जाने का है, और बैकग्राउंड में आप गाने सुन रहे हैं, क्या देशभक्ति के गाने चल रहे हैं। ये जंगे आज़ादी ना एक्चुअली उधर है करतारपुर में, ज़्यादा दूर नहीं है जलंधर, जलंधर से बेसिकली 14-15 किलोमीटर्स। और मैं तो ये बोलूँगा कि इधर ना स्कूटी ले लेना यार किराए पे। मैंने एक दो क्लिप्स कैसे ना करके रिकॉर्ड कर लिया है, मैं आगे अटैच कर दूँगा। बाकी जो इधर की वाइब है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है अंदर। सो गाइस यहाँ पे ना एक देवी का मंदिर है काफ़ी फेमस, और रात का आपको मैं अभी व्यू दिखाता हूँ, क्या शानदार व्यू है ये देखो, कितना ही बड़ा मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत, पानी शाइन मार रहा है, अलग ही लाइटनिंग्स हैं, काफ़ी अच्छा दिख रहा है मंदिर ना। सिस्टम है 100 रुपीज़ का मैंने लिया है और काफ़ी टेस्टी। आज मैं जा रहा हूँ अमृतसर, यहाँ से जलंधर से 80 किलोमीटर है ही, उसके बाद मैं उधर से जाऊँगा वाघा बॉर्डर। ये इधर की प्यास नदी, फाइनली मैं अमृतसर में पहुंच गया हूं। अब इधर से गोल्डन टेंपल वॉकिंग पे ही है, आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत माल रोड है। अब मैं गोल्डन टेंपल के लिए निकल रहा हूं, और रात को मैं वापस इस लोकेशन पे आऊँगा। पहुँच गया हूँ, ये उधर के बाहर का व्यू है, काफ़ी बड़ा है यार, ये तो काफ़ी खूबसूरत है, जैसा फ़ोटो में लगता है उससे और ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा है ये। और इधर क्राउड अलग, इतनी संख्या में क्राउड है एस्टिमेट भी नहीं कर सकता। और इधर कुंड भी इतना खूबसूरत लग रहा है ना, वाटर की रिफ्लेक्शन। मैंने गोल्डन टेम्पल पूरा एक्सप्लोर कर लिया, अब मैं निकल रहा हूँ वाघा बॉर्डर के लिए। इधर से टम्पू चलते हैं, तो इधर से 30 किलोमीटर्स हैं, अब मैं वाघा बॉर्डर के लिए निकल रहा हूँ, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के लिए परेड होती है जो काफ़ी फेमस है, तो मैं अब उधर के लिए निकल रहा हूँ। टम्पू वाले ने मेरे को स्पॉट पर आने के लिए बोला था, और हम इधर से वाघा बॉर्डर के लिए निकलेंगे। तो ये है खालसा कॉलेज, यहाँ पे रब ने बना दी जोड़ी की शूटिंग हुई थी इस कॉलेज, और हम वाघा बॉर्डर की तरफ आ गए हैं। आप सामने देख रहे हैं ये पाकिस्तान का झंडा है, हमारा पता नहीं क्यों नहीं लगा हुआ, हमारा भी फ्लैग इधर लगा रहता है वैसे इस लोकेशन पे। और ये रही वाघा बॉर्डर, देख रहे हैं इधर से एंट्रेंस होती है, और इधर ही अंदर जाके परेड के लिए हम स्टेडियम में बैठेंगे, और इधर से परेड स्टार्ट होगी बस एक दिन बाद। काफ़ी अच्छा देख रहे हैं एनवायरनमेंट, और कितने लोग आए हैं। Yeah.
अब मैं निकल रहा हूँ वापस गोल्डन टेम्पल के लिए और उसके बाद सीधा फिर जलंधर के लिए निकलूंगा। ये है जलियांवाला बाग। मैं थोड़ा लेट हो गया वाघा बॉर्डर से इसलिए बंद हो गया, अब नेक्स्ट टाइम ही देख पाऊंगा। ये है रात का व्यू गोल्डन टेम्पल का, एकदम सोने की नगरी लग रही है इस टाइम। और अब मैं निकलूँगा सीधा इधर से जलंधर के लिए, जलंधर से सीधा दिल्ली के लिए ट्रेन करूँगा रात की। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।